सो गाइस ड्रीम ऑडियो नई वीडियो आज हमारे पास है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो इसमें JBL की सेटअप देते हैं, फ्रंट थ्री वे देते हैं कंपनी और रियर टू वे देते हैं, कोइजल स्पीकर देते हैं और 100 फुट डिक्की भी देते हैं। सो मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगा जैसे कंपनी देते हैं। इसके अंदर बात करें जो कंपनी JBL के सेटअप दिए उसमें काफ़ी मज़ा नहीं आता है, तो हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड में हम फ्रंट उसी की जगह थ्री वे लगा रहे हैं, रियर टू वे लगाएंगे, पहले रियर कोइजल स्पीकर दिया और इसके साथ एक 100 फुट में ऐड करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा आता हूँ और हम एक्टिव सेटअप कर रहे हैं। जो फ्रंट वाला थ्री वे रहने वाला है ओडिशन के हम फ्रंट थ्री वे लगा रहे हैं और ओडिशन का ही रियर हम टू वे लगा रहे हैं। ये हमारा थ्री वे हो गया, ये टू वे हो गया। जो हम एक्टिव सेटअप कर रहे हैं जैसे इसमें क्रॉस ओवर दिया हुआ है, ये हम क्रॉस ओवर यूज नहीं करते हैं, इसको हम एक्टिव सेटअप करते हैं। तो इसमें से जो आपको दिख रहे हैं क्रॉस ओवर, ये हमने लगाएंगे। तो फ्रंट हमारा थ्री वे एक्टिव और ये आपका पीछे जो हमारा टू वे है ये हम पैसिव करेंगे। और इसके साथ जो हम DSP लगा रहे हैं, मैं आप लोगों को DSP दिखाता हूँ। ये हमारे Alpine का DSP रहता है जो हमारे 12 चैनल की है। आप लोग को मॉडल नंबर दिख रहा होगा, ये PXE850X, ये आपका इसका मॉडल नंबर है। और इसके अंदर बात करें तो 12 चैनल DSP है और इनबिल्ट ब्लूटूथ भी है। किसी ने डायरेक्ट अगर फ़ोन से गाने सुन लो तो आप डायरेक्ट फ़ोन से सुन सकते हो और हेडफोन से सुन सकते हो। और इसके साथ मैं कंट्रोलर लगा रहा हूँ तो आप लोग को दिख रहे होंगे। यहाँ से आपका मोड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोग को दिख भी रहे होंगे। यहाँ पे मोड का ऑप्शन है ऑक्स, BT और हाई इनपुट। तो इससे सारा सोर्स हम चेंज कर लेते हैं और कई फ्री साइड भी बनाते हैं, जैसे कि हमको टाइम अलाइनमेंट करते हैं तो वो भी हम यहाँ से चेंज करने को मिल जाता है। तो ये DSP रहता है जो इसके साथ हम 4 चैनल ऐड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को 4 चैनल दिखाता हूँ। ये हमारा ऑडिशन का रहने वाला है जो SR4300, हम 2 4 चैनल लगा रहे हैं। इससे फ्रंट हम 3 वे एक्टिव चलाएंगे और जो हमारा रियर है वो हम 2 वे पैसिव चलाएंगे। और जो इसके साथ मैं एक्टिव वूफर लगा रहा हूँ, ये भी हमारा ऑडिशन का रहने वाला है। ये 800 वाट की है तो मतलब काफ़ी पावरफुल है। और जो इसके साथ हम वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग में आप लोग को हर वीडियो में दिखाता हूँ। स्टिंगर का हमारा UFC वायरिंग है और आपका ऑडियो फील का ही स्पीकर वायर UFC है। और डैम्पिंग ओडी ब्लैक्स में आप लोग को दिखाता हूँ, ये हम डैम्पिंग रहता है ओडी ब्लैक्स की। अगर बात करें जैसे कि जो सब वूफर है, कि जो सब वूफर की हमारा है जो 400 RMS की सब वूफर मिलता है। अगर बात करें से डिक्की जो फॉर्च्यूनर में कम जगह होता है, इसके ऊपर हमने स्टैंड दिया हुआ है, मैं आप लोग को काफ़ी वीडियो में दिखाऊंगा, आज दिखाऊंगा। तो हम वूफर ना फ्लैट करके रख देते हैं, इसके ऊपर हम 300 किलो तक वेट रख सकते हैं कि कहीं आप जा रहे हो तो आपको सामान रखने में इजली हो। और इसके से बिल्कुल फ्लैट वूफर का जो हमारा पोजीशन है नीचे हो जाता है, मतलब आपको सामान वामान रखने में इजली सामान रख सकते हैं। अगर बेस की बात करें तो 400 RMS काफ़ी होते हैं, आपको बेस भी बिल्कुल तसल्ली हो जाता है। बेस में से लंबी गाड़ी है तो कहीं तो लगता है बेस कम होगा, बेस की कभी बिल्कुल कभी महसूस नहीं होगा। अगर बात करें जगह की तो जगह भी आपका वेस्ट नहीं जाता, इसके ऊपर आप सामान वामान रख सकते हैं। और जो इसके साथ स्टैंड दिए हैं बेलकुरो टाइप की है कि अगर डिक्की में जैसे कारपेट है उसके साथ ऐसे मतलब कि ये बिल्कुल फिट हो जाता है कि किसी हम गड्ढे में जाते हैं कहीं जाते हैं किसी वूफर की आवाज़ आता है कि उस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मतलब वूफर की बिल्कुल प्रॉपर जैसे फिक्स हो जाता है उस हिसाब से आपकी जो वूफर की फिटिंग दी हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे गाड़ी में फिटिंग भी करी है, मैं आप लोग को जो वूफर की फिटिंग वो भी दिखाऊंगा। चलते हैं गाड़ी के पास। और गाड़ी भी मतलब ये चंडीगढ़ से आया है, काफ़ी दूर से आया है, तो गाड़ी को हम काफ़ी मतलब सुबह हमारे सारे पास 11 बजे आई हुई है, अभी करीब 8 बज गए तो टाइम काफ़ी लग गया। तो जिस हिसाब से गाड़ी दूर से आया है आप लोग को दिख रहे होंगे, जो चंडीगढ़ नंबर है ये काफ़ी दूर से गाड़ी आया है, तो उसी हिसाब से हम काम की थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी करते हैं, कभी दिक्कत ना आए। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ सबसे पहले बैटरी वायर, जो हमारा बैटरी वायर है जो मैं आप लोग को दिखाया हूँ स्टिंगर की, हमारा बैटरी वायर है। सारे बैटरी वायर आप चेक कर सकते हैं, हीट सिंक स्लीप चढ़ा के ये आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने आगे से एक आप 0 गेज वायर ले लिया और 0 गेज लगा के आगे डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक से हमने सारे वायर को डिवाइड कर दिया, जैसे आपको देख रहे होंगे एक एक्टिव वूफर के लिए 2 4 चैनल के लिए बिल्कुल सेपरेट वायर है और एक ही हमने आगे से 0 गेज लेके और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगा दिए। और जो वायरिंग की मैं आप लोग को हर वीडियो में दिखाता हूँ, कहीं क्या करते हैं कि जो रबर के साइड से वायरिंग डालते हैं हमने वैसे नहीं करते, रबर को बाहर निकाल के और तार के हिसाब से पंच करके उसी हिसाब से वायरिंग करते हैं कि कल कोई दिक्कत ना आए। और मैं आप लोग को चलते हैं डोर की फिटिंग दिखाते हैं। ये हमारा फ्रंट डोर रहता है, इसे हमने डबल लेयर डैम्पिंग करी है, ये आप लोग को देख रहे होंगे, ये डबल लेयर डैम्पिंग है। और जो स्पीकर की फिटिंग है ये आप लोग चेक कर रहे होंगे, ये आपको पीछे वाटर गार्ड है और ये हमारा मिड बेस रहता है। और जो आप लोग को बताया था मैंने JBL की सेटअप है, ये आपकी JBL की रहते हैं, तो JBL हमने उतार के इसके अपग्रेड किए हैं ऑडिशन पे, तो आप लोग दिख रहे होंगे।
और जो इसकी मिड रेंज के फिटिंग है हमने स्टॉक लोकेशन पे लगाए, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है यहीं पे हमने स्टॉक जगह लगाए, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हमने अपना ओडिशन का मिड रेंज लगा दिए और जो फिटिंग आई है बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग आई है, कोई फिटिंग कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को इस तरह जिस गाड़ी में अगर जगह नहीं दी हुई है, अगर आप लोग को लगाना हो डैशबोर्ड पे तो आप लोग लगवा सकते हैं, हमने पहले गाड़ी में की हुई है कि जैसे कंपनी जगह नहीं दी हुई है, आप लोग अगर है कि मेरे को पिलर पे नहीं लगाना है यहाँ पे लगाना है तो होल होके प्रॉपर मिड रेंज लग जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इजीली लग जाते हैं। और ये तो आपकी कंपनी का ही फिटिंग है, जैसे कंपनी फिटिंग दी हुई है हमने उससे फिटिंग में फिट कर दिया मिड रेंज, और ट्विटर के आप लोग को दिखा दिया मैंने। और ये रहता हमारा फॉर्च्यून एम्पलीफायर ओडिशन का, और ये आपका दूसरा फोर चैनल रहता है, और इसके साथ हमने डीएसपी लगा दिए, तो आप लोग को दिख रहे होंगे, आप लोग फिटिंग चेक कर सकते हैं। इसमें हमने एमडीएफ बोर्ड इसने लगाए हैं कि थोड़ी इसकी सीट के नीचे जाती है कि जगह दिक्कत होती है कि टच ना हो, इसीलिए हमने इसके ऊपर एमडीएफ बोर्ड नहीं लगाए हैं। और जो रियर डोर है ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये रियर डोर के हमने ट्विटर फ्लैश कर दिए, और आप लोग को मैं इसका मिडवेस भी दिखा देता हूँ। ये हमारा रियर डोर रहता है, और मैं आप लोगों को सब ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमने सीट भी फोल्ड कर दी है, और जो मैं आप लोगों को दिखाया था ये हमारा बी एमली फेयर रहता है, और वायरिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा आरसी लीड रहता है, बेस कंट्रोलर रहता है, और जो मैं आप लोग को दिखाया था इसका बूफर के स्टैंड, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल बूफर के स्टैंड है, और ये हमारे कारपेट के साथ बिल्कुल एक्यूरेट फिट आ जाता है कि आपका बूफर इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। फिर पूरी गाड़ी पैक करके मैं आप लोग को आउटपुट सुनाता हूँ। तो पूरी गाड़ी हमारे पैक हो चुका है, और जो हमारे स्टॉक लोकेशन है कोरोना आप लोग चेक कर सकते हैं, जो ये कंपनी फिटेड बनावट है जो हम कस्टमाइज पोर्ट बनाते हैं उस हिसाब से इनका ट्विटर पोर्ट बना हुआ है, हमने ट्विटर वहीं लगा दिए हैं। और जो मिड रेंज की बात करें, ये मिड रेंज हमारी कंपनी फिटेड मतलब यहाँ पे जगह दी हुई है, तो हमने वहीं जेबीएल उतार के और अपना मिड रेंज लगा दिए, और ये बिल्कुल जैसे पहले कवर हुआ होता वैसे कवर कर दिए। और जो हमारा डीएसपी का कंट्रोलर है मैं आप लोग को चेक करा सकता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा डीएसपी कंट्रोलर होता है, यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप मोड अपने हिसाब से जो आप बीटी सुन रहे हो या हेडमिट सुन रहे हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग चेक करा देता हूँ, और जो हमारा बूफर का बेस कंट्रोलर ये लगा हुआ है, मतलब बूफर के साथ भी आते हैं कि आप लोग यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ये बूफर, और यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब दो ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको ईजिली लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर बात करें, मैं सबसे पहले आप लोग को आउटपुट सुनाता हूँ। आप लोग को साउंड क्वालिटी की काफ़ी मज़ा आ गया होगा, आउटपुट काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें कि जिसको इस तरह साउंड क्वालिटी चाहिए, तो आप लोग जो स्टॉक हेडफोन JBL के हैं उससे उतना नहीं मज़ा आ रहा है, जो हमारा इनबिल्ट ब्लूटूथ है जो हमारा एल्पाइन लगाए हैं उसके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग इस तरह काम करवाना है तो आना कहें ड्रीम ऑडियो, जो हमारा एड्रेस है रमेश नगर पड़ता है, जो हमारा ओपोजिट है, कहीं दूर से आ रहे हो तो जो हमारा पिलर नंबर है 343 के सामने मेन रोड की दुकान है। अगर कहीं लोग आप लोग दूर से आ रहे अगर फ़ोन नहीं मिल पाता है तो आप लोग लोकेशन में भी ड्रीम ऑडियो पर चंदू डाल सकते हो, आप लोकेशन थ्रू भी आ सकते हो। अगर आप लोग को काम की क्वालिटी चेक करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है dreamaudio0207, आप लोग वहाँ भी काम कर सकते हो, मतलब काम चेक कर सकते हो। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211122007, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। हम वीडियो करते हैं एंड जय श्री राम।